हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी। नाउ व्हाट आर एरर्स? एरर आपकी क्या होती हैं? एक ऐसा फॉल्ट जिसकी वजह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, या फिर जो आपका आउटपुट है वो गलत आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं एरर। तो एरर क्या होता है? एक ऐसा फॉल्ट है जिससे कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पे हम थ्री टाइप्स की एरर को डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम एरर, राइट? सो ऐसी एरर जो कंपाइलेशन के दौरान आती है, जिसके बारे में हमें कंपाइलर इन्फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर, राइट? इसको हम इजी प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर रही हूँ, कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यहाँ पे मैं लिख लूंगी आपका मेन। यहाँ पे मैं लिख लूंगी प्रिंट एफ। और यहाँ पे मैं सपोज हेलो प्रिंट कराना चाह रही हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट? अब मैं इसको F9 की हेल्प से कंपाइल कर लेती हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे एरर आ गई है आपकी फिफ्थ लाइन में। क्या एरर है? हेलो वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो यहाँ पे मुझे अगर ये प्रिंट कराना है तो कैसे हम लिखते थे? विद इन इन्वर्टेड कॉमा, राइट? अभी मैं फिर से F9 प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपका देखिए आपकी एरर और वार्निंग क्या हो चुकी है, जी, राइट? तो जब भी हम सिंटैक्स गलत लिखते हैं, मींस अगर हमें प्रिंट एफ के अंदर कुछ लिखना है, प्रिंट कराना है, तो वो विद इन कोट्स लिखा जाता है, तो एक सिंटैक्स है, वो एक रूल है। तो जब आप रूल वॉयलेट करते हैं तो कंपाइलेशन एरर आती है, यानी कंपाइलर हमें बता देता है कि ये एरर हमने की है। सपोज नाउ अगेन वी विल चेक। सपोज मैं इस सेमी कॉलन यहाँ पे से हटा रही हूँ, अगेन मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ F9 की हेल्प से। नाउ सी सिक्स लाइन में क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर दिस टोकन, यानी सिक्स लाइन में जो टोकन है दिस वन, इससे पहले क्या आना चाहिए, सेमी कॉलन इसके लास्ट में। अब मैं फिर से कंपाइल कर लेती हूँ इसे, तो एरर और वार्निंग क्या हो चुकी है, जीरो। अब हम इसको रन भी करा सकते हैं, तो मैंने F11 की हेल्प से रन कराया, तो हेलो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। सपोज एक और मैं अभी देख लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसका सपोज कर्ली ब्रेसेस ही हटा देती हूँ, राइट? फिर से मैं इसको कंपाइल करती हूँ, तो देखिए क्या आ गया है, फिफ्थ लाइन के बाद एक्सपेक्टेड दिस टोकन एट द एंड ऑफ इनपुट, यानी इसके बाद क्या आना चाहिए, एक कर्ली ब्रेसेस, राइट? तो ये प्रॉपरली फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसी एरर जो कंपाइलेशन के दौरान आ रही है और हमें कौन बता रहा है, कंपाइलर, उस टाइम पे हमारी कंसोल विंडो नहीं ओपन हो रही है, हमें कंपाइलेशन फेज में ही हमारी एरर बताई जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। इसमें हमारी कौन सी है, सिंटैक्स एरर, या जैसे सेमी कॉलन हम भूल जा रहे हैं, इस तरह की जो एरर होंगी वो आपकी किस में आ जाएंगी, कंपाइल टाइम एरर्स में, राइट? सेकंड जो होती है, दिस इज रन टाइम एरर, राइट? दिस इज रन टाइम एरर, यानी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, विल बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका कंपाइलेशन तो हो जाएगा, उसमें आपकी कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, बट कंसोल विंडो जो आपकी ब्लैक विंडो आएगी आउटपुट वाली, उसमें आपकी प्रॉब्लम आएगी आउटपुट में, राइट? तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रन टाइम एरर। अब सपोज यहाँ पे मैं दो नंबर का डिवीजन करा रही हूँ, सो यहाँ पे मैंने लिया है इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंट सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, सी की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अकॉर्डिंग, 10 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज अनडिफाइंड। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन अर्थमेटिक, राइट? और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ सी को, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इस तरह से,
अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ विद द हेल्प ऑफ F9। तो एरर और वार्निंग हमारी जीरो है। सो इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट आता है नहीं। तो मैं इसको आउटपुट के लिए F11 यूज कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है, बट कोई भी आउटपुट हमारा यहाँ पे नहीं आया है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, कंपाइलेशन हमारा हुआ है, बट आउटपुट हमारा जनरेट नहीं हो पाया है, ये होती है हमारी रन टाइम एरर। इसमें हमारा आ जाता है कौन सा, डिवीजन बाय जीरो, या फिर एक अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे एरे, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और लास्ट जो एरर है हमारी, दैट इज लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर कौन सी है, कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है बट उसमें आप लॉजिक ही गलत यूज कर रहे हैं। सो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारा लॉजिकल एरर। यहाँ पे हम लॉजिक ही गलत यूज करने वाले हैं। सपोज ये मैंने लिया है 100, ये मैंने लिया है 60, और मैं इस प्रोग्राम में क्या करने वाली हूँ, सम ऑफ ए एंड बी, मैं इनका सम करने वाली हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, सम के बदले ए माइनस बी, ए माइनस बी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ सी को लाइक दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर हमने लिए हैं ए और बी, 160, मैं इनका सम कराना चाहती हूँ, बट मैंने यहाँ पे लिखा क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी, तो मेरा फॉर्मूला ही गलत है। तो अभी फिलहाल मैं इसको कंपाइल करती हूँ, एरर और वार्निंग मेरा जीरो है, मीन्स इसमें कोई भी एरर नहीं है, बट आप देखिए इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 40। तो क्या मेरा सम इतना आना चाहिए था, नो, सम शुड बी 160, बट यहाँ पे मेरा आंसर गलत आया है। क्यों, क्योंकि मैंने इस लाइन में क्या करा है, लॉजिक ही गलत यूज किया है। तो इस टाइप की जो एरर होती है वो होती है आपकी लॉजिकल एरर, तो यहाँ पे आप लॉजिक ही गलत यूज कर रहे हैं, तो हमने थ्री टाइप्स की एरर डिस्कस की हैं, कंपाइल टाइम एरर जो कंपाइलेशन के दौरान आती है, कंपाइलर हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, दूसरी थी रन टाइम एरर, इसमें आपका प्रोग्राम विदाउट एरर और वार्निंग सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, बट आपको रन टाइम में कंसोल विंडो में कुछ ना कुछ आपको आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी, आपको आउटपुट शो नहीं होगा या कोई एरर शो होगी, और थर्ड है हमारा लॉजिकल एरर, जिसमें हमारा लॉजिक ही गलत रहता है, इसलिए हमारा आउटपुट गलत आ रहा होता है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।